विधानसभा चुनाव में नागदा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी दिलीप शेखावत का तूफानी जनसंपर्क बुधवार को जोर शोर से जारी रहा। किसानों को भावांतर जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने और नागदा के विकास के लिए करोड़ों के विकास कार्यों के भरोसे एक बार फिर से शेखावत जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। नागदा खटरोड विधानसभा सीट पर दो दिलीप आमने सामने हैं। कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी माहौल में गर्मी पैदा कर दी है, तो वहीं वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी दिलीप शेखावत अपने 5 सालों के कार्यकाल में किए गए करोड़ों के विकास कार्यों के दम पर फिर से एक बार मैदान में दमखम से प्रचार में जुटे हुए हैं। बुधवार को शेखावत का जनप्रचार नागदा शहर के वार्डों में जारी रहा। नागदा के ग्रेसिम कॉलोनी सहित शहर के कई इलाकों में पैदल प्रचार कर रहे शेखावत को लोगों का जमकर आशीर्वाद मिल रहा है। शेखावत के मुताबिक नागदा और खटरोड में पिछले 5 सालों से रुके हुए विकास की तस्वीरें लोगों के जहन में आज भी दौड़ जाती है, लेकिन पिछले 5 सालों में भाजपा की सरकार ने इन इलाकों में करोड़ों की सौगात दी है और जनता का भारी समर्थन भी उन्हें जनसंपर्क के दौरान देखने को मिल रहा है। जनता एक बार फिर से उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेगी, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है। जनता में विश्वास है और जो काम जनता खुद मुंह से कह रही है कि जो काम 50 साल के कांग्रेस के राज में नहीं हुए, 15 साल के वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी जब उम्मीदवार थे, विधायक थे, जब नहीं हुए, और इसलिए जितना काम इन 5 वर्षों में हुआ है वो अद्भुत काम है। और इसलिए अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी की मेहनत की पराकाष्ठा करके ये सारे विकास कार्यों को अंजाम दिया। अब हम हरी बारी है, अब हम आपका आशीर्वाद देंगे। कहीं ना कहीं जनता इतना विश्वास आप पे कर रही है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता का संदेश तो यही है कि एक जनप्रतिनिधि एक सेवक के रूप में होता है और 5 साल में जो अभी इतिहास रचा है विकास की दृष्टि से, आने वाले समय में पूरी कोशिश और प्रयास होगा, कोशिश ही नहीं होगी, धरातल पे इससे भी ज़्यादा काम कराएंगे और आप सब लोगों के श्री चरणों में सारे विकास कार्य समर्पित करूँगा। 15 वर्षों पे 5 साल भारी पड़ गए, ऐसा विकास की दृष्टि को देखते हो यहाँ की, मतलब जनता की मानसिकता ये कहती है कि 5 साल काफ़ी हो गए? 15 वो तो चूँकि माननीय दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल 10 साल का, जनता ने देखा है, भुगता है कि लाइट, पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा की क्या व्यवस्थाएँ थी, और वही स्थिति माननीय वर्तमान कांग्रेस के विधायक की भी वही स्थिति रही, और उसके कारण पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और लोगों को अब लगा है कि नहीं, हमारा क्षेत्र भी एक विकसित क्षेत्र हुआ है।